नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं वंदना भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास भूमि बहुत ज़्यादा है, ज़मीन बहुत ज़्यादा है या प्लॉट उनका बहुत बड़ा है और वो छोटे प्लॉट के अंदर उसका मकान या घर बना हुआ है, कम ज़मीन के अंदर उसका मकान या घर बना हुआ है और वो व्यक्ति अपने घर के बाहर की साइड में, बाहर के स्थान पर यदि वो किसी प्रकार का गैरेज या पशु बांधने का जो स्थान होता है वो, या फिर मित्रों आतिथ्य गृह, कोई भी व्यक्ति यदि अपने घर के बाहर की साइड में बनाना चाहता है तो वो वास्तु अनुसार कैसे बनाएं, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको पूर्ण दे रहा हूं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूं कि हमारे घर के 8 डायरेक्शन होते हैं, 8 दिशाएं होती हैं, तो उन दिशाओं को हमें ख्याल रखना चाहिए, जैसे प्रथम या ईशान, फिर पूरब, फिर अग्नेय, फिर दक्षिण, फिर नेत्रते, फिर पश्चिम, फिर वायव्य। तो ये 8 दिशाएं हमारे घर की होती हैं। दोस्तों, ये आप अपने प्लॉट की दिशाएं मान लीजिए और इस प्लॉट के अंदर आप कम ज़मीन के अंदर, कम जो स्थान है उसके अंदर आपके मकान बना हुआ है, पहले से मकान बना हुआ है या आप बाद में मकान बना रहे हो और मकान के बाहर की साइड में आप गैरेज या अतिथि गृह यानी गेस्ट रूम बना रहे हो या फिर पशु बांधने का जो स्थान है वो आप अपने घर के अंदर बना रहे हो, तो आपका मान लीजिए ये आपका प्लॉट है और इस प्लॉट के अंदर यहाँ पर आपका मकान बना हुआ है। ये मान लीजिए आपका मकान बना हुआ है, ये मान लेते हैं आपका मकान बना हुआ है। मैं यहाँ पूर्ण आपको बड़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों, मान लीजिए ये आपका मकान बना हुआ है और इस मकान में बाहर की तरफ आपकी ज़मीन खुली पड़ी हुई है या इसके यहाँ पर बाउंड्री वॉल बना हुआ है लेकिन आपका मकान यहीं पे बना हुआ है और अब आप इस मकान के बाहर की साइड में, यानी आपके पास ये भी ज़मीन है, ये भी है, ये भी ज़मीन है और ये भी ज़मीन है, चारों जो 8 डायरेक्शन है इनके अंदर आपके पास ज़मीन शेष बची हुई है और इस ज़मीन के अंदर आप यदि गैरेज या पशु बांधने का स्थान या फिर आप इसके अंदर अतिथि गृह जिसको हम बोलते हैं गेस्ट रूम, वो यदि आप बाहर की साइड में बनाना चाहते हो तो आपको किस दिशा में वास्तु अनुसार बनाना चाहिए, वास्तु अनुसार कौन सी दिशा उपयुक्त होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे बताता हूँ, यदि आपको गैरेज या फिर अतिथि गृह या पशु बांधने के लिए जो स्थान मैं यहाँ बता रहा हूँ वो पूर्णतया वास्तु अनुसार बता रहा हूँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार बता रहा हूँ, वास्तु सम्मत बता रहा हूँ, तो आपका ये जो डायरेक्शन है ये वायव्य कोण और जो उत्तर दिशा का डायरेक्शन है इसके अंदर आप गैरेज बना सकते हो अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए या अपने वाहन खड़ी करने के लिए। यहाँ पे इस दिशा में आप गैरेज बना सकते हो, यहाँ पर आप पशु आदि भी बांधने की व्यवस्था कर सकते हो और यहाँ पर आप गेस्ट रूम भी यहाँ बना सकते हो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारे पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और उसके अंदर हमारे छोटा सा घर बना हुआ है लेकिन अब हम बाहर की साइड में कुछ बनाना चाह रहे हैं, गेस्ट रूम बनाना चाह रहे हैं, गैरेज बनाना चाह रहे हैं, तो हम कहाँ पर और कैसे बनाएं, वास्तु सम्मत कैसे अच्छा रहता है, कैसे शुभ रहता है। तो इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाना मुनासिब समझा, अच्छा समझा, ताकि सभी लोगों की इसकी जानकारी प्राप्त हो। तो दोस्तों, अभी ये जो कोरोना काल का समय है,
इसमें हमें धैर्य और स्वयं को नहीं खोना है, धैर्य भी रखना है, स्वयं भी रखना है और एक दूसरे का सहयोग भी करते रहना है। दोस्तों, इस लॉकडाउन के अंदर अभी ये जो समय है ये कुछ हमारे पक्ष में नहीं है, विपरीत चल रहा है, तो इसके अंदर आपको अपने घरों के अंदर ही रहना है और जब आप मकान का निर्माण करते हो तो आपको वास्तु अनुसार ही करना है। दोस्तों, यदि आपको भी अपने मकान, दुकान, फैक्ट्री इत्यादि का वास्तु व्हाट्सएप विजिट करवाना हो तो आपको थोड़ा चार्ज अलग से पे करना पड़ेगा, आप घर बैठे करवा सकते हो। मैं यहाँ आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ, 7901718402, इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और इस वंदना भोजक चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो भी आगे वीडियो है उसकी जानकारी आपको घर बैठे ही प्राप्त हो सके। तो राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आप इस वंदना भोजक चैनल से वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ लीजिए। इसके अलावा आप कमल किशोर भोजक से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ यूट्यूब में जाकर ले सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।